गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आर्टिकल राइटिंग राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी एस और आर करके आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग के विषय में देते। हाई स्कूल में ये 6 अंकों का होता है, इंटरमीडिएट में 10 अंकों का होता है। इंटरमीडिएट में भी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अथवा एक रिपोर्ट राइटिंग दिया जाता है या आर्टिकल राइटिंग। या आर्टिकल राइटिंग की बात हो रही है, आर्टिकल लेख, संक्षिप्त लेख या क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं और आर्टिकल लिखने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। आर्टिकल क्या है और आर्टिकल के कौन कौन से अंग होते हैं, उसमें क्या विशेषता होती है। आर्टिकल क्या है, किसी विषय को संक्षिप्त यानी शॉर्ट, संक्षिप्त में करा किसी विषय वस्तु को संक्षिप्त शॉर्ट में, किंतु अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, एक्सप्रेसिव और मीनिंगफुल तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। करा किसी विषय को संक्षिप्त शॉर्ट में किंतु अर्थपूर्ण तरीके से, भावपूर्ण तरीके से, एक्सप्रेसिव या मीनिंगफुल तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। क्लियर? यानी कोई भी विषय वस्तु दी गई हो, उसे संक्षिप्त में भावपूर्ण तरीके से लिख देना, व्यक्त कर देना, यह आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के विचार, अभिव्यक्ति आर्टिकल राइटिंग के माध्यम से विद्यार्थियों के विचार, अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को कैसे अभिव्यक्त करेगा, विचारों का प्रस्तुतिकरण, विचारों को कैसे अभिव्यक्त करेगा, कैसे प्रस्तुत करेगा, अवधारणा को समझने और निष्कर्ष तक पहुंचने के गुण का मूल्यांकन किया जाता है। करा इस आर्टिकल लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के विचार अभिव्यक्ति यानी विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है, विचारों का प्रस्तुतिकरण, विचार अभिव्यक्ति को कैसे प्रस्तुत करता है, कैसे सामने रखता है, अवधारणा को समझना यानी उस विषय वस्तु के अवधारणा को समझने और निष्कर्ष तक पहुंचने के गुणों का मूल्यांकन आर्टिकल राइटिंग में किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। कर आर्टिकल्स का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, किसी विषय या मुद्दे, सब्जेक्ट, इशू यानी मुद्दा के बारे में तथ्य या विचार व्यक्त करने के लिए। करा किसी विषय दिया हो या कोई मुद्दा, इशू हो, के बारे में तथ्य यानी उसमें क्या फैक्ट है या विचार व्यक्त करने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कोई सब्जेक्ट दे दिया गया है, उसमें कौन कौन से तथ्य हैं और उसमें क्या विचार बना रहे हैं आप, कैसे विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह देखा जाता है। दूसरा, किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए। कोई घटना घटी है तो आप उसके विरोध में या समर्थन कर रहे हैं, किसी भी घटना कोई घटी है तो उसका आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, दोनों भी बात के कारणों को व्यक्त करने के, यानी कोई भी घटना हो तो उसके समर्थन में है या विरोध में है, उसके कारण को प्रस्तुत कीजिए, तर्क दीजिए कि आपका जो पक्ष है वो सही है। तीसरा, किसी व्यक्ति, उसके जीवन या कार्यों का वर्णन करने के। तीसरा होता है कभी कभी किसी व्यक्ति के विषय में उसके जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीचर हैं, आदर्श
पुरुष है, पिता है, पड़ोसी है, किसान है, किसी व्यक्ति और उसके जीवन तथा कार्यों के विषय में वर्णन करने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान का वर्णन करने के लिए, कोई प्लेस है, स्थान है, उसका वर्णन करने के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्शनीय स्थल है, कोई पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल गए हैं, जैसे ताजमहल नगरी देखने गए हैं, कोई मंदिर देखने गए हैं, मेले का वर्णन, ये सारी चीजें भी आर्टिकल में आ जाती हैं। आर्टिकल के भाग कौन कौन? एक आर्टिकल के निम्नलिखित भाग होते हैं। कारण एक अच्छे आर्टिकल यानी लेख के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला टाइटल हेडिंग, यानी जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, तो पहले उसका एक हेडिंग डालते हैं, टाइटल डालते हैं। शीर्षक छोटा तथा आकर्षित होना चाहिए। कारण जो भी टाइटल आप लिखे हैं, वो पढ़ते ही पाठक के मन में एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए कि जब तक वो पूरा पढ़ने लगे, वैसा आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक छोटा और आकर्षित होना चाहिए। यहाँ क्लाइमेट चेंज एक उचित शीर्षक है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर आप लिख रहे हैं, या क्लाइमेट के विषय में, जलवायु के विषय में, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं क्लाइमेट चेंज, एक उचित शीर्षक हो सकता है। यानी जो भी विषय वस्तु का आप शीर्षक बनाए, वह अट्रैक्ट करने वाला हो, ध्यान को आकर्षित करने वाला हो, और पढ़ने के लिए, पूरी बात पढ़ने के लिए जागरूकता पैदा करे। दूसरा है बाईलाइन संदर्भ, जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, यहां उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। बाईलाइन यानी संदर्भ, जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, यहां उस व्यक्ति का नाम लिखा जाना चाहिए। यानी जो भी भाई मोहन, भाई सीता, ऐसे करके। यदि प्रश्न में पूछा गया है, तो अखबार के लिए लिखे गए आर्टिकल में पद कर, यदि प्रश्न में पूछा गया है तो अखबार के लिए लिखे गए आर्टिकल में पद डेजिग्नेशन लिखा जा सकता है, पद लिखा जा सकता है, जैसे स्पेशल करस्पॉन्डेंट या पत्रकार, या स्कूल मैगजीन के लिए लिखे गए आर्टिकल जिसमें राइटर पढ़ता है, यानी जिस विद्यालय में लेखक पढ़ता है, उस विद्यालय के पत्रिका के लिए लिखे गए आर्टिकल में उस कक्षा का नाम लिख दिया जाता है। जिस क्लास में पढ़ता है, उस कक्षा का नाम लिख देते हैं। अब तीसरा है बॉडी। बॉडी या इसी को इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, परिचय, यानी जो विषय वस्तु दी गई है उसमें की बॉडी क्या होगी। इसमें पाठक की रुचि विकसित करने के लिए, यानी पढ़ने वाला लेख जो पढ़ेगा उसकी रुचि को आकर्षित करने के लिए विचारों तेजक लाइन्स होनी चाहिए। यानी बॉडी में कुछ ऐसी पक्तियां होनी चाहिए जो उसे आकर्षित कर सके, उसके रुचि को विकसित कर सके लेख पढ़ने के लिए, या किसी की टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्न हो सकता है, कार्य या किसी की टिप्पणी हो सकती है, विश्लेषण हो सकता है, प्रश्न हो सकते हैं, यानी किसी विद्वान ने कोई टिप्पणी किया है वह लिख सकते हैं, विश्लेषण किसी का लिख सकते हैं, प्रश्न हो सकता है। चौथा है मेन बॉडी, मुख्य भाग। इसमें मुख्य एस्पेक्ट्स, पक्ष, जैसे कारण, प्रभाव, गुण, दोष आदि होने चाहिए। कारण मेन बॉडी मुख्य भाग, इसमें मुख्य एस्पेक्ट पक्ष, जैसे कारण, प्रभाव, गुण, दोष आदि होने चाहिए। यह पर्यावरण प्रदूषण परिवर्तन के कारण बताए गए हैं। यानी अगर आर्टिकल मान लिया लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, परिवर्तन के कारण, तो यह उसकी विषय वस्तु लिख दी जाती है, यानी मुख्य मुख्य पक्ष क्या है। पांचवा है कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ लेखक का दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण,
टिप्पणियां, आलोचना, सुझाव प्रस्तुत करता है। लेखक अपना दृष्टिकोण, टिप्पणियां, आलोचना, सुझाव प्रस्तुत करता है। आप अपने आर्टिकल में अपील या चेतावनी भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी आप अपने लेख में अपील, निवेदन कर सकते हैं या चेतावनी प्रस्तुत कर सकते हैं, या प्रदूषण नियंत्रण की प्रार्थना की गई है, यानी मान लीजिए प्रदूषण के संबंध में, तो प्रदूषण से को बचने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए उसकी प्रार्थना की गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्टिकल राइटिंग, लिखना भी एक कला है, जिसमें मुख्य रूप से आपसे बातें कही गई कि किसी विषय को संक्षिप्त रूप से किंतु भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करना आर्टिकल कहलाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के विचार अभिव्यक्ति, विचारों का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को समझना और निष्कर्ष तक पहुंचने के गुण का मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रयोग जो है नीचे बताया गया किस किस के लिए किया जाता है, किसी विषय वस्तु या मुद्दे के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए, किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए, किसी व्यक्ति उसके जीवन उसके कार्यों का वर्णन करने के लिए, या किसी स्थान का वर्णन करने के लिए। आर्टिकल में मुख्य रूप से आपको यह बताया गया कि सबसे पहले टाइटल लिखिए, टाइटल के बाद जिसके द्वारा बायलाइन, टाइटल के बाद जिसने लेख लिखा है उसका पद या उसका नाम होना चाहिए, फिर पत्र की बाड़ी होनी चाहिए, मुख्य भाग जिसके जो पाठकों के रुचि को आकर्षित कर सके, और तब उसके बाद मेन बाड़ी यानी प्रारंभ करने के बाद मेन बाड़ी पर आइए, दोष गुण इत्यादि, और लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाल दिया जाता है पूरे लेख का कि आप इसमें अपना विचार, अपना सुझाव, अपना अपील या चेतावनी इत्यादि भी दे सकते हैं। आप इसके अगले वाले वीडियोस के अंतर्गत दिया जाएगा कि क्या क्या सावधानियां आर्टिकल लिखते समय रखनी चाहिए। थैंक।